दोस्तों, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने खूब पसीना बहाया था, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया की कोचिंग स्टाफ ने मोहम्मद शमी के लिए ड्रेसिंग रूम में खास इंतजाम कर रखे थे, जैसे आइस बाथ के लिए बर्फीले पानी से भरी बाल्टी और उस पानी में भिगोकर निकाली गई टी शर्ट चेंज रूम में मौजूद थी। डेम्बा वार्म अप करने के बाद जब शमी का पहला स्पेल खत्म हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रवि शास्त्री ने उन्हें देखते ही कहा, एक काफी नहीं, पांच चाहिए। और इस पर शमी ने अपने ही अंदाज में कहा, हाँ ले लेंगे। और शमी के आते ही उन्हें इस बात लेने के लिए कहा गया और उनके कपड़े भी पहले से ही तैयार थे। दोस्तों, शमी अक्सर तभी ड्रेसिंग रूम में इस तरह घुसते हैं जब उन्हें लगता है कि पिच में उनके लिए कुछ है। लेकिन यह सवाल ही उठता है कि क्रिकेटर आइस बाथ क्यों लेते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के ड्रेसिंग रूम में आइस बाथ की व्यवस्था की जाती है। हमारे शरीर में काफी ज्यादा लैक्टिक एसिड बनने पर हमारे शरीर की मसल्स सुस्त पड़ जाती हैं, लेकिन बर्फीले पानी से नहाने पर धमनियां टाइट हो जाती हैं और थकी हुई मसल्स लैक्टिक एसिड निकालने में मदद मिलती है, और इस तरह आइस बाथ मसल्स की तुरंत रिकवरी में मदद करती है। इसके अलावा इस बात का टेम्परेचर कितना रखना है ये उस दिन के मौसम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिकेटर आइस बात क्यों लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।